यूनिवर्सिटी जो जो कोर्सेज करवाती है, जो अपडेट यूनिवर्सिटी ने किए हुए हैं, जैसे आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले लिखा है MBBS, MD एंड MS, ये तीनों कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, MD MS भी करवाती है, MBBS में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है, BDS कीजिए या फिर MDS कीजिए, आप डेंटल में भी एडमिशन ले सकते हैं, MBBS में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद जो भी एजुकेशन लेता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, वो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता है, खास करके कि मुझे किस तरह की एजुकेशन मिलेगी एडमिशन लेने के बाद। दोस्तों, एजुकेशन लेना ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन लेना भी आपका अधिकार है। बहुत बार होता क्या है कि आपके पास जब ऑप्शंस नहीं होते हैं तो जो ऑप्शन मिलता है वहीं जाकर आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर चाहे वो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। हम जो वीडियोस आपके लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं हर तरह से पूरी जानकारी आपको देने की कि किस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या अप्रूवल्स नहीं है, कौन से कोर्सेज चलाती है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके पास हॉस्टल का नामो निशान नहीं और बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स जो यूनिवर्सिटी के पास होने चाहिए थे यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। मलवांचल यूनिवर्सिटी एक MP की एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, उसी तरह से मलवांचल यूनिवर्सिटी भी चलती है इंदौर में। मलवांचल यूनिवर्सिटी के पास कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे अप्रूवल्स नहीं भी हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करूंगा आज अपनी इस वीडियो में। UGC पर यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक करती है, यूनिवर्सिटी कब बनी है, यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब कौन है, चेयरमैन कौन है, वाइस चांसलर कौन है और कौन है रजिस्ट्रार साहब, UGC स्टेटस क्या बोलता है इस यूनिवर्सिटी का, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आज जवाब देंगे जितने भी आपने पूछे हैं हमारी पिछली वीडियो में जाकर, जो हमने मध्य प्रदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई हैं। मलवांचल यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। मलवांचल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट, जब आप विजिट करते हैं, जो वेबसाइट बनी हुई है www.malwanchaluniversity.com, जैसे ही आप खोलते हैं यहां पर तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट खुलती है, यहां पर चीजें ज्यादा डिटेल में मेंशन है नहीं। आप अप्रूवल्स देखना चाहोगे तो अप्रूवल्स तक पूरा नहीं पहुंच पाओगे, कोर्सेज पर नहीं पहुंच पाओगे। NAC लिखा जरूर है बट NAC एक्रेडिटेशन क्या है क्या नहीं है वो NAC पर क्लिक करके भी आपको डिटेल्स आपको मिलती नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि मलवांचल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड नहीं है, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलाती है, बट जिस तरह से यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है, यूनिवर्सिटी को वक्त हो गया है चलते हुए, यूनिवर्सिटी काफी टाइम से एडमिशन ले रही है, 2016 में यूनिवर्सिटी आ गई थी, आज लगभग यूनिवर्सिटी को 6-7 साल हो गए हैं, बट उतने अप्रूवल्स नहीं है जितने अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास होने चाहिए, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने अपने अप्रूवल्स को एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में दोस्तों कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे कोर्सेज हैं बट उतने कोर्सेज नहीं जितने कोर्सेज के मतलब यूनिवर्सिटी ले सकती थी। यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज करवाती है, जो अपडेट यूनिवर्सिटी ने किए हुए हैं, जैसे आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले लिखा है MBBS, MD एंड MS, ये तीनों कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, MD MS भी करवाती है, MBBS में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है, BDS कीजिए या फिर MDS कीजिए, आप डेंटल में भी एडमिशन ले सकते हैं, MBBS में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। जो डॉक्टर्स बनते हैं वो इन्हीं कोर्सों करने के बाद बनते हैं, साथ में ही BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग की दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड है, MSc नर्सिंग, ANM, GNM भी यूनिवर्सिटी करवाती है, इन सभी कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है, बट BSc नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो अपनी फीस के ऊपर भी फीस लेती हैं, मतलब प्रीमियम लेती हैं BSc नर्सिंग में एडमिशन देने के लिए। BSc नर्सिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, हमसे आप कॉन्टेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है BPT और बहुत सारी वीडियोज हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी होती है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, फीस क्या है। BMLT यूनिवर्सिटी करवाती है, ये DMLT यूनिवर्सिटी करवाती है, DDT कोर्स करवाती है, ऑप्टोमेट्रिक जैसे अच्छे कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है, OT टेक्नीशियन करवाती है यूनिवर्सिटी, ये साथ में MRI टेक्नीशियन भी करवाती है, साथ में X-ray टेक्नीशियन यूनिवर्सिटी करवाती है, और साथ में ही दोस्तों कुछ
दूसरे कोर्सेज जैसे कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इसके लिए पीसीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का। अगर फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास नहीं है तो इस कोर्स को नहीं करा सकते, साथ में ही पीएचडी। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से, कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है, जब उन्हें प्रपोजल देती है तो वहां से उसमें मेंशन होती है चीजें कि यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पीएचडी करवा सकती है। नॉन काउंसिल जितने भी कोर्सेज होते हैं उनका यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट अप्रूवल मिल जाता है, यूनिवर्सिटी के पास अपने आप में अप्रूवल आ जाता है इन सभी कोर्सेज को करवाने के लिए। बट जो कोर्सेज काउंसिल से एफिलिएट करते हैं, जैसे बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एलएलबी करने के लिए, एनसीटीई, आप अगर करना चाहते हो कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज तो एनसीटीई का अप्रूवल चाहिए, जैसे बीएड आप करना चाहते हैं तो एनसीटीई का अप्रूवल चाहिए यूनिवर्सिटी को, AICTE, BTEC, MTEC, डिप्लोमा करने के लिए। हालांकि इन सब कोर्सेज की डिटेल्स हालांकि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन की नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कुछ अलग तरह से डिटेल्स डाली हैं, बट ऐसा नहीं कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। काउंसिल कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते जब तक यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल नहीं है, बट बाकी के जो कोर्सेज, नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं दोस्तों, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीबीए, एमबीए, एमसीए, साथ में बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, ऐसे कई सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है जिसका यूजीसी बाय डिफॉल्ट अप्रूवल दे देता है। बट यूनिवर्सिटी के पास उतने कुछ खास अप्रूवल्स नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो वक्त हो गया है उस वक्त के अनुसार तो यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे अप्रूवल्स होने चाहिए थे। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, या यूनिवर्सिटी को आप, इनकी वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे, यूनिवर्सिटी को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, मुझे उसका इंतजार रहेगा, आप बताएं। और साथ में ही इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किस यूनिवर्सिटी के साथ आप करवाना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में चलती है, हम उस पर एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों आप हमें बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, इस यूनिवर्सिटी को आप मार्क्स देना 10 में से कितने मार्क्स देंगे, किस यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करवाना चाहते हैं, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी की क्या जानकारी आप चाहते हैं, या किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज पर वीडियो चाहते हैं, आप जरूर बताएं, हमें आपके उस मैसेज का इंतजार रहेगा और नेक्स्ट वीडियो हम आपकी सजेशन पर जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो हमने वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा, मलवांचल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने जाना होगा, कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछें, हम रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मोटिवेटेड होकर अच्छी अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।